नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाले हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का भुगतान किया जाएगा और साथ ही कोर्ट में साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फाड़ में हुए नुकसान के बयान पर वह समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा कोर्ट का मानना यह भी है कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई हैं और बीएमसी का ये धमकाने वाला अंदाज सही नहीं था। दिया गया नोटिस और की गई तोड़फाड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए की गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फाड़ का भुगतान करना होगा और मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कंगना और बीएमसी दोनों की सुनेगा। इसी के साथ जो भी नुकसान आएगा वो बीएमसी भरेगी। कोर्ट के फैसले आने पर कंगना काफी खुश नजर आई और आपको बता दी कि उन्होंने अपने शूट के बीच से एक अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया जिसमें वो काफी खुश नजर आई और कहा कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपने जुडिशरी सिस्टम और हाईकोर्ट के फैसले से। वो अपने फैंस का भी शुक्रिया करती नजर आई। देखिए ये वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अंगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अंगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट अबाउट द इलीगल डिमोलिशन एंड सेड दैट इट वॉज अ लीगल एक्ट। नो इट वॉजंट। I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. Thank you. फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।